सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न टिश टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिल सके सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका यार ओमकार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम हैड व हैड टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे तथा किस प्रकार से इसका अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इन सब के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हैड व हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हैड का प्रयोग करना सीख लेते हैं। दोस्तों, हम हैड का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी वस्तु पर अपना हक या फिर मालिकाना व्यक्त करना हो या फिर उसे रखने का अधिकार व्यक्त करना हो या फिर हमें अपना संबंध बताना हो। ध्यान रहे, यह जो सेंटेंसेस है वह पास्ट टेंस के अंतर्गत बोले जाते हैं। तथा इसका दूसरा प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कहनी हो जिसमें हमारा कार्य संपूर्ण हो चुका होता है। तो दोस्तों, आज हम हैड के पहले प्रयोग के बारे में सीखने वाले हैं तथा दूसरे प्रयोग के बारे में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सीखेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि हम हैड का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो दोस्तों, हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, अर्थात हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास एक दुकान था, ही हैड अ शॉप। तो यहाँ पर जो ही है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत है, जबकि तुम्हारे पास एक घड़ी थी, यू हैड अ वॉच। यहाँ पर जो यू है वह प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत है, पर दोनों में ही हैड का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हम हैड का प्रयोग करके क्या क्या बता सकते हैं। दोस्तों, हम हैड का प्रयोग करके अपने परिवार में उपस्थित सदस्यों की संख्या के बारे में बता सकते हैं जो कि पास्ट में उपस्थित थे। जैसे कि उसके तीन भाई थे, ही हैड थ्री ब्रदर्स। इसी प्रकार से हम अपने सदस्यों की संख्या के बारे में भी बता सकते हैं जो कि पास्ट में उपस्थित थे। जैसे कि मेरे परिवार में 6 सदस्य थे, आई हैड 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। तथा इसके अलावा भी हम हैड का प्रयोग करके अपनी बीमारी के बारे में, अर्थात जब हम कभी बीमार थे उस बीमारी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं तथा उससे बता भी सकते हैं। जैसे कि उसे बुखार था, ही हैड फीवर, अर्थात उसे बुखार पास्ट में था, इस समय बुखार नहीं है। इसी प्रकार और जैसे कि मेरे पेट में दर्द था, आई हैड स्टमक एक। तथा हम इसके साथ ही साथ जो भी चीजें हमारे पास पास्ट में उपलब्ध था उस चीजों के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि। तो चलिए इस पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि उसके पास 4 कंप्यूटर था, ही हैड 4 कंप्यूटर्स। तो इसी प्रकार जो भी चीज हमारे पास पास्ट में उपलब्ध थी उन चीजों को हम हैड का प्रयोग करके बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नया फोन था, आई हैड अ न्यू फोन। तथा इसके साथ ही साथ जो चीज़ें हमारे पास पास्ट में उपलब्ध नहीं था उन चीज़ों को भी हम बता सकते हैं। इन चीज़ों को बताने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस जो भी नाउन होगा। जैसे कि मेरे पास चाबी नहीं था, आई हैड नॉट की। तथा अंग्रेजी बोलते समय हैड नॉट को इतना लंबा न कहकर इसे शॉर्ट में हैडेंट भी कहते हैं। तो आप अगर हैड नॉट का भी प्रयोग करते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो हेड नॉट के प्रयोग से हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मेरे पास चाबी नहीं था, आई हैडेंट की। तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि उसके पास स्कूटर नहीं था, ही हैडेंट अ स्कूटर। पर ध्यान रहे, यह जो सेंटेंस है वह पास्ट के ही अंतर्गत बोला जाता है। और जैसे कि उसके पास एक अच्छा सलाहकार नहीं था, ही हैडेंट अ गुड कंसल्टेंट। हैड के प्रयोग के साथ ही साथ हम डिड के साथ नॉट का प्रयोग करके इन निगेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं तथा इन सेंटेंसों के साथ ही साथ हम डिड के प्रयोग से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। पर ध्यान रहे, इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें सदैव हैड के स्थान पर हैव का प्रयोग करना होगा। तथा डिड के प्रयोग से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे जिसे हम शॉर्ट में डिडंट भी कहते हैं। तथा इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, प्लस डिडंट प्लस हैव प्लस जो भी क्रियाएं होंगी।
जैसे कि गरीबों के पास अच्छे घर नहीं थे, द पुअर डिडंट हैव गुड होम्स। तो इसी प्रकार से डिडंट के साथ हैव का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और जैसे कि शहरों में स्वच्छ हवा नहीं थी, सिटीज डिडंट हैव क्लीन एयर। तो इसी प्रकार से डिडंट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हैड के प्रयोग से कैसे हम अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। प्रश्न को पूछने के लिए सबसे पहले हमें हैड का प्रयोग करना होगा प्लस सब्जेक्ट का प्लस नाउन का, जैसे कि क्या तुम्हारे पास कार थी, हैड यू अ कार। तो इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखते हैं तथा अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारे पास फार्म हाउस था, हैड यू फार्म हाउस। पर ध्यान रहे इन सेंटेंसों में पास्ट के ही बारे में पूछा जाता है। और जैसे कि क्या उसके पास दो होटल था, हैड दे टू होटल्स। तथा हम इन प्रश्नों को डिड के प्रयोग द्वारा भी पूछ सकते हैं। तथा डिड के प्रयोग से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें सबसे पहले डिड का प्रयोग करना होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, जैसे कि क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, डिड यू हैव अ बिग हाउस। तथा इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्या राम के पास दो भाई थे, डिड राम हैव टू ब्रदर्स। तो जब भी आप डिड का प्रयोग करें तो ध्यान में रखें कि सदैव डिड के साथ हैव का ही प्रयोग होगा। और जैसे कि क्या उसे बुखार था, डिड ही हैव अ फीवर। तो अभी तक हम लोगों ने हैड का प्रयोग करना सीखा कि हैड का प्रयोग करके किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, तथा अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हैड टू का प्रयोग किया जाता है और इससे किस किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तथा हैड टू का प्रयोग करते समय ध्यान में रखें कि हैड टू का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे कि हैड का प्रयोग भी कुछ इसी प्रकार से किया जाता था। तथा इन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे इत्यादि शब्द लगा होता है, जिसके कारण कार्य को करने की बाध्यता प्रकट होती है। तथा हैड टू के प्रयोग से सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा प्लस हैड टू प्लस जो भी क्रियाएं होंगी, जैसे कि हमें स्टेशन जाना पड़ा था, वी हैड टू गो टू द स्टेशन। तो जिस भी सेंटेंस में कार्य करने की बाध्यता हो और वह सेंटेंस पास्ट के अंतर्गत हो तो वहां पर आप हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे अस्पताल में दवा लेना पड़ा था, आई हैड टू टेक मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। और जैसे कि पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था, फादर हैड टू गो टू दिल्ली। तथा अब अगर हमें निगेटिव सेंटेंस हैड टू के प्रयोग से बनाना हो तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा प्लस हैडेंट प्लस टू प्लस जो भी क्रियाएं होंगी। तो चलिए कुछ इस पर एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि मुझे अपना घर नहीं बेचना पड़ा था, आई हैडेंट टू सेल माई हाउस। और जैसे कि मुझे रात भर नहीं जागना पड़ा था, आई हैडन टू वेक अप होल द नाइट। तो कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपको मुझे सूचित करना नहीं पड़ा था, यू हैडन टू इन्फॉर्म मी। तो इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। हैड टू के अलावा हम इन निगेटिव सेंटेंसों को डिड के प्रयोग से भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा प्लस डिडंट प्लस हैव टू प्लस जो भी क्रियाएं होंगी, जैसे कि हमें दोस्तों को नहीं बुलाना पड़ता था, वी डिडंट हैव टू कॉल फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हम हैड टू के अलावा डिड नॉट का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। और जैसे कि उसे आमंत्रित नहीं करना पड़ता था, सी डिडंट हैव टू इनवाइट। मुझे बाजार जल्दी नहीं जाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट अर्ली। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कैसे हैड टू के प्रयोग से हम अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। प्रश्न को पूछने के लिए हमें सबसे पहले हैड का प्रयोग करना होगा प्लस सब्जेक्ट का प्लस टू प्लस जो भी क्रियाएं होंगी, जैसे कि क्या तुम्हें उसे फोन करना पड़ता था, हैड यू टू टेलीफोन हर। तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं तथा अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि क्या उन्हें सफाई करनी पड़ी थी, हैड दे टू डू क्लीनिंग। और जैसे कि क्या उसे ईमेल करना पड़ा था, हैड ही टू सेंड एन ईमेल। क्या तुम्हें अपना काम पूरा करना पड़ा था, हैड यू टू कंप्लीट योर वर्क। तो इसी प्रकार से हैड के प्रयोग से प्रश्न को पूछा जाता है।
तथा हेड टू के प्रयोग से प्रश्न को पूछने के साथ ही साथ हम डिड के प्रयोग से भी अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। डिड के प्रयोग से अपने प्रश्न को पूछने के लिए हमें सबसे पहले डिड का प्रयोग करना होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस जो भी क्रियाएं होंगी, जैसे कि क्या तुम्हें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा था, डिड यू हैव टू यूज अ क्रेडिट कार्ड। तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या गरीबों को फुटपाथ पर सोना पड़ा था, डिड द पुअर हैव टू स्लीप ऑन द पेवमेंट। और जैसे कि क्या लोगों को वोट देना पड़ा था, डिड पीपुल हैव टू वोट। तो कुछ इसी प्रकार से हैड तथा हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तथा इन सेंटेंसों को बनाते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम हैड तथा हैड टू के प्रयोग से कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे अर्थात साधारण वाक्य के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर हम निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम हैड तथा हैड टू के साथ ही साथ हम डिड के प्रयोग से भी उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको अब भी हैड तथा हैड टू का प्रयोग करते समय कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देखकर भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तथा अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।